गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम इस पार्ट का एक नंबर का सवाल जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, वह ले रहे हैं जिसका नाम दिया गया है टॉपिक का फ्रेंडलिक समतापीय वक्र। अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण के अंदर सबसे मेन चीज जो आती है वो इस वक्र को बताया गया है। और इस वक्र का संबंध हमने जो लास्ट क्लास के अंदर जो दाब का प्रभाव पड़ा था, है ना, दाब का ताप का प्रभाव पड़ा था, तो इसमें स्पेशली दाब के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, समतापीय यानी हमें इसमें क्या करना है, ताप को स्थिर रखते हुए ताप को स्थिर रखना है। ठीक है, और ताप को स्थिर रख के और हमें अधिशोषण की मात्रा, किसकी, अधिशोषण की मात्रा जिसे हम प्रदर्शित करते हैं x अपॉन m, ठीक है, तथा किसके बीच में, दाब के बीच में, दाब क्या होता है, p के मध्य क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। x अपॉन m यानी अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। लेकिन ताप को क्या रखा गया है, स्थिर। ताप को स्थिर रखने के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं, समतापीय वक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन फ्रेंडलिक ने सबसे पहले इसके बीच में एक संबंध दिया, इस संबंध को आपको याद रखना है, ये संबंध थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, p की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब ये क्या है, अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, x अपॉन m बराबर इधर k आ जाएगा, k इंटू p की पावर 1 अपॉन n। ये अपना समीकरण नंबर एक है। x अपॉन m क्या है, अधिशोषण की मात्रा, p क्या है इसके अंदर, दाब, है ना, और k और n यहां पर क्या है, स्थिरांक है। k और n को एक कांस्टेंट के रूप में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, ये तो इसने इसमें संबंध बताया है कि भाई अधिशोषण की मात्रा दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब हम इसका मुख्य काम करते हैं, इसमें वक्र बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो इस वक्र को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। वैसे ये वक्र बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, देखिएगा, देखो ये वक्र है, यहां पर हम लेते हैं दाब, यहां पर क्या लेंगे, दाब पी, और इधर लेंगे हम, जैसे हमने पहले दाब के संबंध के अंदर भी लिया था, अधिशोषण की मात्रा, जिसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, एक्स एम के द्वारा। तो ये क्या है, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा। अब ग्राफ तो ये आ रहा है, इसमें ना हमें देखना है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे अधिशोषण बढ़ता जाएगा, है ना, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसमें हमें तीन कंडीशन याद रखनी है, अलग अलग कंडीशन जो अपन इस ग्राफ के अंदर लेंगे। सबसे पहली कंडीशन आएगी यहां पर, जैसे ये है, ठीक है, यहां पर देखो दाब बहुत ही कम है ना, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं, x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p 1 के द्वारा। ये निम्न दाब की स्थिति है, कौन सी, ये है निम्न दाब की स्थिति। आप देखो, आप निम्न दाब पर जब उधर बताएंगे आप इसको, तो इसको यूं दर्शाएंगे, अब ग्राफ के आधार पर है, ठीक है, तो निम्न दाब पर, निम्न दाब पर पहली स्थिति क्या लिखते हैं कि निम्न दाब पर दाब इतना है तो अधिशोषण थोड़ा क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर लिखते हैं x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p1, या
क्या लिखेंगे, x अपॉन m बराबर k इंटू पी वन। अब p वन है, घातांक एक ही है, तो सिंपल वे में इसको किसके द्वारा दर्शाएंगे आप, ये x अपॉन m बराबर k इंटू पी के रूप में। ये पहली स्थिति है निम्न दाब पर, ठीक है। सेकंड स्थिति, या तो आप उच्च दाब पर लो या पर कर, या फिर हम मध्य दाब की स्थिति में लेते हैं। तो देखो सेकंड स्थिति अपन लेते हैं मध्य दाब पर, यहां पर ये चीज, ठीक है, इसको अपन लेते हैं मध्य दाब पर। तो ये आता है पॉइंट, इसके अंदर आप बताओगे x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। ये आता है मध्य दाब पर, मध्य दाब पर देखो आप ये कंडीशन आ रही है, यानी दाब थोड़ा सा और बढ़ा, इससे भी ज्यादा, तो दाब बढ़ाते तो ये कंडीशन आती है। अब इसमें आप लिखोगे सेकंड स्थिति मध्य दाब पर, है ना, तो मध्य दाब पर क्या लिखेंगे, x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। अब आप इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो x अपॉन m बराबर क्या आ जाएगा, k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n के रूप में, ठीक है। अब हमने देखा है कि 1 अपॉन n, n क्या है, यहां पर एक स्थिरांक है, लेकिन इसमें n का मान याद रखिएगा, n बराबर कितना होगा, 0 से 1 के बीच में, ज्यादा नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। तो सेकंड स्थिति ये आ गई, ठीक है। अब थर्ड स्थिति होती है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दी गई है, वह कंडीशन है उच्च दाब के ऊपर। तो अब अपन उच्च दाब लेते हैं, देखो यहां पर मैं इसको इस रूप में ले लेता हूं, ये दाब ये आ जाता है, ये आया ना ग्राफ को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, ये यूं घुमा देते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन आती है सबसे ऊपर, ये है उच्च दाब पर, जिसमें लिखते हैं x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, p की पावर 0 दी गई है, और ये क्या है, उच्च दाब, ये है उच्च दाब के ऊपर, ठीक है। अब उच्च दाब के अंदर जब आप यहां लिखोगे तो यहां देखो इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, तो उच्च दाब पर जब आप बताओगे तो उच्च दाब पर बताएंगे x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर कितनी है, 0 है, ठीक है। अब p की पावर 0 है तो आप क्या करोगे, x अपॉन m बराबर क्या लिखेंगे, k इंटू पी 0, और p की किसी भी घातांक का मान 0 होता है, इसका मतलब उसका मान कितना होगा, घातांक अगर 0 आती है तो मान एक होता है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, x अपॉन m बराबर किसके होगा, के होगा। अब ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन ये कहती है कि इस दाब के बाद, यानी ये कंडीशन यहां तक आई, देखो ये डॉट लाइन से द्वारा मैं अपन इसको अपन ले लेते हैं, ये कि इस दाब के बाद आप कितना भी दाब बढ़ा दोगे, इस दाब के बाद, यानी उच्च दाब कर दिया, इस दाब के बाद आप इसका मान कितना भी बढ़ाओ, किसका, दाब का, अतिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर अपन ये देखते हैं ना, तो इसको बिल्कुल आगे ये अपन जब लाइन खींचेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी, ये इस तरह से बिल्कुल यूं, किसके, इसके समांतर, बिल्कुल समांतर चलेगी। तो यहां स्थिति जो होती है इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि फ्रेंडलिक ने, फ्रेंडलिक जो थे, इन्होंने सबसे पहले सम दाब, ये सम दाबीय वक्र बताया था, जिसमें इन्होंने बताया x अपॉन m क्या है, अधिशोषण की मात्रा, और दाब के बीच में, पहले तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है, फिर अलग अलग कंडीशन पर, निम्न दाब पर स्थिति ये होती है, मध्य दाब पर स्थिति ये होती है, और उच्च दाब पर स्थिति ये होती है। तो ये तीनों स्थितियां आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। और एक बात ध्यान रखना, ये एक नंबर का भी अगर सवाल पूछा जाता है तब आपको केवल इतना बताना है, ये फ्रेंडलिक का समतापीय वक्र, और दूसरी चीज इसमें बता देना x अपॉन m क्या है, ठीक है, और p क्या है,
एन क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें आता है समदाबीय, ये सॉरी समतापीय वक्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसी के अंदर आगे का पॉइंट आता है कि यहां से हम पहला जो समीकरण है, ये फर्स्ट समीकरण कौन सा है हमारे पास, ये इस समीकरण में देखो, अब ये लेते हैं, इसी के अंदर आगे कंटिन्यू रखना है आपको कि समीकरण एक में दोनों तरफ, मैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेते हैं लॉग लेने पर, अब आप समीकरण एक क्या लिखते हो, x अपॉन m बराबर k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n था। अब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग x अपॉन m बराबर, अभी गुणा में तो जुड़ेंगे तो लॉग k प्लस, अब ये घातांक है जो हमेशा क्या आती है, आगे आती है, तो 1 अपॉन n और आगे क्या जाएगा log p के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। और अब इनको एक नए वक्र के रूप में बताते हैं जिसमें हम लेंगे कि log x अपॉन m तथा log p के मध्य ग्राफ खींचने पर, ग्राफ अब इनके मध्य ग्राफ कैसा आता है, तो इसमें जब ग्राफ खींचा गया तो इस ग्राफ को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। ये यहां पर हम लिखते हैं log x अपॉन m, ये आता है log किसके बीच में p, ठीक है, ये x अपॉन m है। अब इसमें जो ग्राफ आता है, हमने कहा ना कि x अपॉन m यानी अधिशोषण की मात्रा और दाब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो ये ग्राफ जो आएगा वो इसमें इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, ये न्यू इस तरह से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा एक कंडीशन है कि ये जो भाग आएगा यहां से, ये आपको ये डॉट लाइन बता देता हूं, ये ठीक है। अब ये जो है इसे कहते हैं अंतःखंड, इसको बोलते हैं हम अंतःखंड, ठीक है, और इसे प्रदर्शित किया जाता है log k के द्वारा, किसके द्वारा log k के द्वारा, ठीक है। और इस वक्र का जो ढाल है, ये ढाल जो आता है, ये इस ढाल को थीटा के द्वारा दर्शाते हैं जिसका मान होता है 1 अपॉन n के रूप में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम ये जो समीकरण लेते हैं, इस समीकरण का क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग में तो ये कंडीशन आएगी, फिर लॉग x अपॉन m, ठीक है, और लॉग p के मध्य ग्राफ होता है, तो इस तरह से आएगा जिसमें इसका ढाल जो है जिसे अपन थीटा के द्वारा दर्शाते हैं, इसका मान होगा 1 अपॉन n के रूप में, और ये अंतःखंड के रूप में दर्शाया जाता है। अंतःखंड का मतलब ये है कि ये ग्राफ यहीं तक आएगा, मतलब यहां से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब हम ये समतापीय वक्र, दो नंबर का सवाल आता है तब तो आपको ये पूरा बताना है, ठीक है, और एक नंबर का आता है तो केवल आप वो पहले वाला ग्राफ बता के और ये कंडीशन बता देना, ठीक है। अब देखो पहले ये जो अपना टॉपिक चल रहा था, ये था कि ठोस अधिशोषक के ऊपर, किसके ऊपर, ठोस अधिशोषक के ऊपर गैस का अधिशोषण किस प्रकार से होता है। अब हम टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं और बोलेंगे कि ठोस अधिशोषक पर विलयन का, कौन से विलयन अवस्था जो होती है, विलयन अवस्था का
किस प्रकार से हम क्या करते हैं अधिशोषण होता है उस चीज को समझेंगे। और वो चीज बहुत ही सिंपल वे में जो अभी अपन ने पढ़ा है सेम अभी जो लिया था सेम उसी कंडीशन के ऊपर आएगा, ठीक है ना। बस उसमें एक शब्द चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं आगे, ठोस अधिशोषक पर, ठोस अधिशोषक पर विलयन अवस्था का अधिशोषण, अवस्था का अधिशोषण कैसे करते हैं। तो इसकी तो पहले आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है सबसे पहली चीज, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखो, है ना। तो परिभाषा में हम ये कहते हैं कि ठोस अधिशोषक जो होता है, ठोस अधिशोषक द्वारा, ठोस अधिशोषक द्वारा जब विलयन में से विलय या अन्य पदार्थ का अधिशोषण किया जाए, अधिशोषण किया जाए तो यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, ठोस अधिशोषक पर विलयन का किया जाता है। ये विद्वान ये कहता है कि जब इसमें जैसे कोई भी विलयन है उस विलयन को हम ठोस के ऊपर क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, ठोस अधिशोषक है ध्यान रखिएगा। और ठोस अधिशोषक पर जब हम विलयन का या कोई भी विलयन हो उस विलयन को जब इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे यानी इसको अधिशोषित करना चाहेंगे तो ठोस पदार्थ क्या करेगा उस विलयन में से। आपको पता है ना विलयन के दो भाग होते हैं विलय और विलायक। तो या तो विलय को करेगा इसमें लिखा गया है विलय, या अन्य कोई पदार्थ उस विलयन में उपस्थित है अगर उसका अधिशोषण कर लेता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठोस अधिशोषक पर विलयन का अधिशोषण कहलाती है। वापस सुन लीजिएगा, कोई भी ठोस अधिशोषक है उसके ऊपर जब आप विलयन प्रवाहित करते हो तो विलयन में से ठोस अधिशोषक के द्वारा विलेय पदार्थ क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ या विलेय के अलावा कोई अन्य अगर उसमें कोई पदार्थ उपस्थित होता है तो वह उसका अपनी सतह पर क्या कर लेता है अधिशोषण कर लेता है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में आपको ध्यान में रखना है कि अशुद्ध शर्करा जो होती है, अशुद्ध शर्करा जैसे इसका एग्जाम्पल याद रखेगा कि अशुद्ध शर्करा, अशुद्ध शर्करा जो होती है, अशुद्ध शर्करा का विरंजन करना, अशुद्ध शर्करा जो होती है इसको विरंजित करना, शर्करा को विरंजित करना। विरंजित करने का मतलब यह होता है कि आपने कोई भी एक अधिशोषक लिया उसके ऊपर जब ये विलयन है शर्करा का, इस शर्करा के विलयन को जब उसके ऊपर प्रवाहित करोगे, जैसे अधिशोषक मुख्य रूप से इसमें चारकोल ही लिया जाता है, तो चारकोल के ऊपर जब आप इस अशुद्ध शर्करा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो अशुद्धियां हैं, जो रंग की अशुद्धियां हो उन रंग की अशुद्धियों को ये अपने सतह के ऊपर क्या कर लेता है अधिशोषित कर लेता है। तो इसके लिए कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, चारकोल, क्या लिया जाएगा इसमें चारकोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ठोस अधिशोषक पर विलयन अवस्था पर, ठोस अधिशोषक पर विलयन अवस्था का अधिशोषण इस प्रकार से समझते हैं। अब इसमें भी वही सूत्र याद रखना है जैसे अभी अपन ने लिया था कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू, वहां पर हमने दाब लिया था p और यहां पर लेते हैं c की पावर 1 अपॉन n। अब इसको इस समीकरण के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है, या x अपॉन m बराबर k इंटू c की पावर 1 अपॉन m, ये समीकरण आएगा इसके अंदर। अब क्या है x अपॉन m, क्या है अधिशोषण की मात्रा, ठीक है। अब यहां पर विलयन ले रहे ना, तो विलयन के हिसाब से c को किसके द्वारा दर्शाया गया है, c
सांद्रता के द्वारा, किसके द्वारा, सांद्रता के द्वारा। अब इस समीकरण में हम लिखते हैं समीकरण एक में लॉग लेने पर वही कंडीशन आएगी जो पहले आई थी, है ना। तो लॉग लेने पर क्या होगा, देखो इसके अंदर लॉग लो तो लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग एक्स अपॉन एम बराबर लॉग क्या आएगा के, लॉग के प्लस वन अपॉन एन इंटू लॉग सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें log x अपॉन m और log c के मध्य ग्राफ क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे खींचने पर, ग्राफ खींचने पर। अब आपको इसमें ग्राफ खींचना है, जो पहले हमने ग्राफ खींचा था ना, अभी log x अपॉन m और log p के मध्य, log p के मध्य सेम वही ग्राफ है इसमें, तो वैसा ही होगा। फर्क क्या आ जाएगा, फर्क ये आएगा कि इसके अंदर यहां पर हम लेते हैं log c और इधर क्या लेंगे, log x upon m, अधिशोषण की मात्रा। ग्राफ आधा आएगा तो आधा ग्राफ बताओगे, मतलब ये यहां तक ये स्थिति आएगी। ठीक है, और इसका ढाल जो प्रदर्शित करेंगे उसको तो किसके द्वारा, ये ढाल अपने लिया था यहां पर ये, तो इस ढाल को थीटा के द्वारा दर्शाते हैं जिसे वन अपॉन एन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फिर आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो ये कंडीशन आती है ना, ये यहां तक ये और ये इस स्थिति में, इसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, लॉग के द्वारा, और इसको क्या बोलते हैं अपन, अंतःखंड, क्या बोलते हैं, अंतःखंड, या इसको इधर लिख देते हैं ये ना, यहां पर हम इधर लिख देंगे लॉग के। ठीक है, और ये आ जाएगा अंतःखंड, क्या कहते हैं इसको, अंतःखंड के रूप में ये अपना ग्राफ है, सेम ग्राफ है, फर्क क्या आएगा, वहां लॉग सी ये पी था और यहां पर लॉग क्या आ गया, सी। तो एक विलयन प्रवस्था जो होती है, विलयन अवस्था की स्थिति में आपको ये इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब हम लास्ट आते हैं अधिशोषण के अंदर, वह अधिशोषण के उपयोग अनुप्रयोग के रूप में, तो मैं इसमें मुख्य चार पांच उपयोग बता देता हूं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें जो सवाल आता है सवाल भी आपको बता देता हूं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो देखो अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग में सबसे पहला उपयोग गैस मास्क के अंदर, गैस मास्क में जो मैंने आपको पहले भी कहा था सीवरेज लाइन में जाते हैं या जो बड़ी बड़ी कोयले की खान में जाते हैं, तो उसके उनके जो व्यक्ति वर्कर काम करते हैं उनके मुंह पर क्या होता है, मास्क लगा हुआ रहता है, और उस मास्क के अंदर ध्यान रखिएगा ये जो मास्क होते हैं, इस मास्क में चारकोल या सिलिका जेल या क्या लगी होती है, सिलिका जेल होता है, और ये क्या करते हैं, इसमें अशुद्ध गैसें जो होती है, अशुद्ध गैसों को अपनी सतह पर क्या कर देते हैं, अधिशोषित, यानी जो मास्क है यूं लगा हुआ रहता है इसके अंदर की तरफ, है ना, ये इन पदार्थों का इसके ऊपर क्या लगा होगा, लेप लगा हुआ रहता है, जो जब गैसें आती है तो ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब गैस को ये अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग, दूसरा है उच्च निर्वात में, उच्च निर्वात में, निर्वात उत्पन्न करना है कहीं भी स्थान पर, तो उच्च निर्वात के अंदर ये उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, उच्च निर्वात के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से सिलिका जेल का, किसका, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है नमी को हटाने में, नमी को हटाना, नमी को हटाने का मतलब ये होता है जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उपकरण होते हैं, उसमें अगर नमी आ जाए तो मशीनें खराब होने का डर रहता है, इसलिए उनके ऊपर, है ना, चारकोल, किसका, चारकोल का इसके ऊपर लेप किया रखते हैं, या चारकोल को उस उपकरण के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो
वायु है, वायु के साथ में जो वाष्प होती है, जल वाष्प होती है, वह उस वाष्प को क्या कर देते हैं, अवशोषित, ये सॉरी अधिशोषित कर देते हैं। तो ये तीन तो इसके अंदर मुख्य रूप से आ गया, गैस मास, निर्वात और नमी को हटाने के अंदर। ठीक है, चौथा आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों को रंगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिटकरी का उपयोग करते हैं। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, फिटकरी, किसका उपयोग, फिटकरी। तो फिटकरी क्या करती है कि जब कपड़ों की रंगाई की जाती है, जैसे अपन ने पहले लिया था कि रेशों को उसमें डाला जाता है, तो कपड़ों की रंगाई के दौरान ये उस रंजक जो होता है, उस रंजक में से कणों को क्या करती है, अधिशोषित करती है। तो ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये कि ना, कपड़ों की रंगाई में कौन से पदार्थ का अधिशोषक के रूप में उपयोग किया जाता है, कपड़ों की रंगाई के अंदर कौन से पदार्थ का उपयोग अधिशोषण के अंदर किया जाता है। और पांचवा हम लेंगे भी उत्प्रेरण क्रिया में, उत्प्रेरण मतलब उत्प्रेरक में, उत्प्रेरण क्रिया में, और उत्प्रेरण क्रिया के अंदर आप पढ़ोगे भी समांगी उत्प्रेरण में, इसमें भी समांगी उत्प्रेरण में, जो अभी अपन इस टॉपिक, ये अपना अधिशोषण वाला पार्ट खत्म हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उत्प्रेरण, उसमें ये इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, समांगी उत्प्रेरण में और भी समांगी उत्प्रेरण में अधिशोषक का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और छठा लेते हैं अपन इसके अंदर वर्ण लेखिकी के अंदर, वर्ण लेखिकी का मतलब होता है क्रोमेटोग्राफी में, आपको बताया था संभाव्यता वाला जो पार्ट है, संभाव्यता वाले पार्ट के अंदर बताया था क्रोमेटोग्राफी के अंदर कैसे करते हैं, जिसमें बताया था कि ये स्तंभ है, क्रोमेटोग्राफी का ये स्तंभ होता है इस तरह का, याद है ना। ये बताऊं मैं आपको टॉपिक क्या था, टॉपिक था कि जो रेसेमिक मिश्रण होता है, रेसेमिक मिश्रण के पृथक्करण के लिए ये क्रोमेटोग्राफी का अपन ने लिया था, इसमें जिसमें अधिशोषक पदार्थ भर दिया था, फिर उसमें अधिशोषण की क्षमता के आधार पर पहले कौन सा रूप, डी रूप आता है या एल रूप आता है, तो पहले डी रूप आएगा तो एल रूप बाद में होता है, फिर इसको यहां से खोल के दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो गैस मास्क के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, और नमी को हटाने में भी कौन लेते हैं, चारकोल, उच्च निर्वात में सिलिका जेल का उपयोग, ठीक है, कपड़ों की रंगाई में फिटकरी का उपयोग, उत्प्रेरण में जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से क्या बनती है, अमोनिया, तो उसके लिए कौन सा उत्प्रेरक आता है, जैसे आयरन आता है, तो आयरन के ऊपर अधिशोषण कैसे होगा, ठीक है, वर्ण लेखी के अंदर ये इस प्रकार से उपयोग काम में आता है। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये आपके आज टॉपिक पूरा हुआ, कौन सा, अधिशोषण। तो अधिशोषण में क्या पढ़ा, अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण की परिभाषा है अंदर, ठीक है, फिर अवशोषण और अधिशोषण में अंतर, उसके बाद हमने लिया शोषण, शोषण के बाद हमने विशोषण, ये मतलब कौन कौन सी परिभाषाएं ली, अधिशोषण, अवशोषण, ठीक है ना, फिर विशोषण, उसके बाद शोषण की क्रिया, फिर हमने लिया इसमें अंतर, तो भौतिक और कौन सा, रासायनिक अधिशोषण में अंतर, फिर एक ठोस पर गैस पदार्थ, गैस अवशोषक के रूप में जब काम में लिया जाता है, गैस का अवशोषण करते हैं, तो उसमें अलग अलग पॉइंट लिए थे, गैस की प्रकृति कैसी होती है, फिर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, फिर दाब ताप, है ना, फिर अधिशोषण का सक्रियण करते हैं, वो सब पॉइंट लिए, उसके बाद हमने लिया आगे, जैसे ये लिया था समतापीय वक्र, फ्रेंडरिक का समतापीय वक्र लिया, फिर आगे उसके बाद अपन आए कि विलयन अवस्था का अधिशोषण कैसे होता है ठोस के ऊपर, फिर इसके उपयोग। ठीक है, तो ये आज आपके इसका पहला पार्ट, पार्ट का खत्म होता है। अब सेकंड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेंगे उत्प्रेरण, उत्प्रेरक, ये पार्ट, ये जो उत्प्रेरक वाला भाग है, ये 70% आपके पढ़ा हुआ है, केवल इसमें 30% थोड़ा सा नया आएगा। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।